हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फैम पे एप्लीकेशन पर अपना एक नया अकाउंट कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फैम पे एप्लीकेशन पर आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप ये जान लें कि फैम पे एप्लीकेशन कौन यूज़ कर रहा है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि फैम पे एप्लीकेशन ज़्यादा करके 13 से 20 साल के लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक माइनर अकाउंट बनाने का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि जहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड से अपने KYC करने का ऑप्शन दे दिया गया है, जिसके वजह से आप अपनी पेमेंट आसानी से कर सकते हैं फैम पे एप्लीकेशन के थ्रू। यहां पे आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी दिया जा रहा है, जिसका आप यूज करके आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में उसको ऐड करके आप कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हैं UPI पिन का यूज करके। ठीक है, तो गाइस चलिए फिर आपको अब बता देता हूं कि कैसा फैम पे एप्लीकेशन पर अपना एक नया अकाउंट बना सकते हैं और कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, कैसे आप KYC वेरीफाई कर सकते हैं, सब कुछ टोटली आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस, आपको सिंपली क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फैम पे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आपको उसी लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है फैम पे एप्लीकेशन को, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन प्ले स्टोर से करेंगे तो आपको ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अगर इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जैसे कैशबैक, रिवॉर्ड्स वगैरह। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करना है और उसमें एक लिंक मिल जाएगा फैम पे एप्लीकेशन का। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि फैम पे एप्लीकेशन जो है यहां पे इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, जिसकी जो MB है वो 31.87 MB का है। ठीक है, यहां पे वेरीफाइड बाय प्ले प्रोटेक्ट है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर से है ये, तो कोई इसमें खतरे वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, अनइंस्टॉल का और ओपन का। आपको ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहां पर इंट्रोड्यूसिंग जो भी फैम पे एप्लीकेशन के जितने भी फीचर यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आप वीडियो भी देख सकते हैं थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आपको एंटर फैम पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आपको जल्दी से अकाउंट बनाना है तो आपको एंटर फैम पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। चलिए फिर यहाँ पे हम सबसे पहले अपने फैम पे एप्लीकेशन पर अकाउंट बनाने के लिए एंटर फैम पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे बोलेगा कि आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करें। ठीक है, यही मोबाइल नंबर आपका जो है फैम पे एप्लीकेशन से लिंक हो जाएगा। तो गाइस, ज्यादा करके आप ये करें कि आपको जो ये नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे एंटर करने के लिए, वो आधार कार्ड में भी लिंक हो, ताकि आपका जो KYC है वो जल्द से जल्द वेरीफाई हो सके। ठीक है, तो आपको नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे की साइड में एक ऑप्शन दिखेगा आपको गेट OTP का, आपको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, याद रहेगा इस फोन में रिचार्ज जरूर होना चाहिए, तभी आपके पास OTP रिसीव होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे OTP आएगा जो कि ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एंटर फुल नेम। आपको क्या करना है, अपने आधार कार्ड ले लेना है और साइड में रख देना है, उसमें से देख देख के आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना है, स्पेलिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्स योर नेम एज पर योर ID प्रूफ, तो आपको क्या करना है, जो आधार कार्ड पे आपका नाम लिखा हुआ है सेम टू सेम वही यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वही यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रीन पे रेफरल कोड दिखाई दे रहा होगा, आप कहीं नोट करके रख लें। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको रेफरल कोड जो है वो यहाँ पे एंटर कर देना है, जहाँ पे लिखा हुआ है एंटर रेफरल कोड। ठीक है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा मेरा रेफरल कोड, आप यूज कर सकते हैं उसका। उसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर रेफरल कोड है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वो यहाँ पे एंटर करके आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको अपने लोकेशन का परमिशन देना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे सेंड अपडेट बाय व्हाट्सएप, अगर आप व्हाट्सएप पे अपडेट चाहते हैं फैम पे का तो आपको यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर नहीं चाहते हैं तो आप इसको अनटिक कर देना। ठीक है, अनटिक करने के बाद आपको यहाँ पे अलाउ लोकेशन का ऑप्शन है, आपको अलाउ लोकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके वाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, वेट करने के बाद आपको ज्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे करना है। अब आपका फैम पे अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट जो करना है वो क्रिएट योर कस्टम UPI ID, आपको अपना UPI ID बनाना है। UPI ID बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, नीचे के साइड में आपका फोन नंबर होगा, अगर इस नंबर से आपका जो UPI ID है वो अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे देगा कि यहाँ पे आपका अवेलेबल है इस नंबर से UPI ID। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अगर आप इसी नंबर के साथ UPI ID क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको नीचे के साइड में दिखाई दे रहा होगा एक एरो, आपको उस एरो पे क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे नीचे के साइड में दिखाई दे रहा है। तो हम इसी नंबर के साथ अपने UPI ID क्रिएट करेंगे। अगर आप भी अपने नंबर के साथ क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेट्स गो का
ऑप्शन आ जाएगा, आपको लेट्स गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, तभी आपके होम स्क्रीन आ जाएंगे यहाँ पे फैम पे एप्लीकेशन के। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया है। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, ऊपर के साइड में आपको स्कैन करने का, साइड में स्माइली का। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको प्रोफाइल नेम आ जाएगा, प्राइवेसी एंड सपोर्ट, हेल्प एंड सपोर्ट, प्राइवेसी सेटिंग, फाइन प्रिंट, अलर्ट, ये सब आ जाएगा। अगर आप इनमें से कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं फैम पे एप्लीकेशन को। उसके बाद यहाँ पे बैक आ जाते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं पे और ऐड। अगर आप पैसे इसमें ऐड करेंगे तो ही आप पे कर पाएंगे। यहाँ पे नीचे के साइड में आपको वर्चुअल यहाँ पे डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, तो आप को कब मिलेगा ये डेबिट कार्ड, जब आप अपने केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे गेट वेरीफाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, नीचे की साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। चले फिर यहाँ पे हम गेट वेरीफाइड कर लेते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 13 से 20 साल के लोग ज्यादा करके यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनर अकाउंट बनाने का परमिशन देता है। तो यहाँ पे आप जैसे गेट वेरीफाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वेरीफाई और आधार का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको वेरीफाई कर लेना अपने आधार कार्ड से। तो यहाँ पे आपको एरो का जो ऑप्शन दिख रहा होगा येलो कलर का, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कंप्लीट योर आधार केवाईसी नाउ एंड स्टार्ट यूजिंग फैम पे। जैसे आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड से वेरीफाई कर लेंगे, अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, और वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलने के बाद आप यूज कर सकते हैं उसको गूगल पे, फोनपे, पेटीएम और भी जितने भी यूपीआई एप्लीकेशन है वहाँ पे आप इसको ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे पैसे ऐड करने होते हैं। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे हम केवाईसी कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कह रहा है एंटर योर पैन नंबर टू कंटिन्यू, तो हमारे पास पैन कार्ड नहीं है, हम आधार कार्ड से करेंगे, तो यहाँ कंटिन्यू विदाउट पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा एंटर और आधार नंबर, आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड की तरफ से एक ओटीपी आएगा, जो कि आपको यहाँ पे फिल करके आपको नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी जो केवाईसी है वो वेरीफाइड हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है केवाईसी वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, और यहाँ पे लेट्स गो फैम पे का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं पे प्लस एड और यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप फैम पे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सबसे पहले इसमें मनी ऐड करना होगा, यानी कि पैसे ऐड करने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट बैलेंस 0 है, तो अगर आप फैम पे का इस्तेमाल करेंगे, जैसे स्कैन एंड पे करेंगे, कहीं भी कुछ भी यूपीआई आईडी से कुछ पैसे भेजेंगे किसी के पास, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पैसे ऐड करने होंगे। ठीक है, तो पैसे ऐड करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं 50, 100 और 500 का ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे आप जितने मर्जी उतना यहाँ पे पैसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद यहाँ पे जब पैसे ऐड हो जाएंगे वॉलेट में तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फैम पे एप्लीकेशन के थ्रू, यानी वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो, उसको आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में ऐड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मनी ऐड करने के लिए हमें ऐड मनी यूजिंग कार्ड, यानी कि आप कार्ड से भी कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से भी कर सकते हैं। नीचे के साइड में आपको दिखेगा नेट बैंकिंग का ऑप्शन, आप इनसे भी फैम पे एप्लीकेशन में मनी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पैसे ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको पे का एक ऑप्शन दिखेगा, पे का ऑप्शन जहाँ पे आपको है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपसे बोलेगा कि यहाँ पे विल यूजिंग द ऐप कर देना है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा, स्कैन करके आप किसी को पैसे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्ट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं टू कॉन्टैक्ट, यहाँ पे टू यूपीआई आईडी, आप दो तरीके से पैसे भेज सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा वेरिफिकेशन कंप्लीट करने होंगे। स्टार्ट नाउ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो नंबर है वो वेरीफाई होगा, यहाँ पे आपका अकाउंट जो है वेरीफाई होगा, ऊपर की साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको क्या करना है, सेंड एसएमएस टू वेरीफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पे अकाउंट है वो वेरीफाई होगा, ऊपर के साइड में जो यूपीआई आईडी है वो वेरीफाइड होगा। तो हम चलिए यहाँ पे सेंड एसएमएस वाले पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा, तो सबसे पहले अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि वो जो सिम है जो आपके फ़ोन में डला हुआ है, जिससे आपने फैम पे अकाउंट बनाया है, वो कौन से में है, 1 में है या 2 में है। तो आपको वो सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे 1 में है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आप सकते हैं कि आप वेरीफाई और अकाउंट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। गाइस मैं आपको बता दूं कि फैम पे एप्लीकेशन में जब आप मनी ऐड कर देंगे तो वहाँ पे आपका बैलेंस ऐड रहेगा, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किसी और से पैसे लेकर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास यूपीआई आईडी है, आप किसी से भी पैसे मंगा सकते हैं। देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, यहाँ पे हमारा यूपीआई आईडी जो वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे आप चाहें तो एडिट यूपीआई आईडी कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐप्स वाले ऑप्शन
ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बारकोड आ चुका है और आप इससे स्कैन कर सकते हैं, ठीक है स्कैनर। उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड में जब स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा। जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है इसका आप इस्तेमाल करके गूगल पे, फोनपे, पेटीएम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करके आप जो भी यूज़ करना है जैसे शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट यूजिंग योर फैमपे कार्ड, ठीक है। तो फैमपे कार्ड अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका कार्ड नंबर और सीवीवी नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपका फैमपे एप्लीकेशन पर अकाउंट बन चुका है। अब अगर आप चाहते हैं इसका इस्तेमाल करना तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।